कभी सोचा है हम अपने हाथों को कितना लाइटली लेते हैं, हालांकि हमारे मन तक पहुंचती कितने सारे ऐसे एहसास हैं जो हमारे हाथों से जुड़े हैं। जैसे कि जन्म लेते ही सबसे पहले हमारे ये हाथ या हमारी माँ या पिता दोनों में से किसी एक की उंगली थामते हैं। वो उंगली ऐसे थामते हैं जैसे हमें कोई कंफर्मेशन मिल जाता है कि ये रिश्ता तो ना लाइफ टाइम के लिए रहने वाला है, ये रिश्ता हमें कभी कहीं छोड़ के नहीं जाएगा, हमें कभी दगा नहीं देगा, ये सबसे प्यारा रिश्ता है। और तब से लेकर हम तलाश में होते हैं किसी ऐसे की जो हमेशा के लिए हमारा हाथ थामे, उसी भरोसे के साथ, उसी प्यार के साथ ऐसे थामे कि हमें कभी गिरने ना दे, हम मुश्किलों में हो तो हमें पार लगा दे, है ना। पेंसिल पकड़ते हैं ये हाथ, गाड़ी का स्टीयरिंग इनके हाथों में होता है, यही हाथ है जिनकी उंगलियां कितने सारे ईमेल्स टाइप करती हैं, मैसेजेस टाइप करती हैं, कितने ऐसे इमोशंस होते हैं, कितने एहसास जिनको बयां करते हैं। उंगलियां चलती है ना जब स्क्रीन पर, तो पूरी शख्सियत बाहर आ जाती है ना। यही हाथ ऐसे होते हैं जो बहुत प्यार से खाना बनाते हैं, मसालों, सब्जियों, दालों, इन सब के बीच में जब प्यार मिलता है, इन्हीं हाथों से बना निवाला जब अपने बच्चे के पेट में जाता है, तो कितनी संतुष्टि मिलती है उस माँ को, है ना। और हमारे लिए वो हाथ सबसे ज्यादा कीमती होते हैं क्योंकि वो माँ के हाथ होते हैं। एक लड़की के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने हाथों में मेहंदी लगना, वो लम्हा शायद हर लड़की उस लम्हे का इंतजार करती है ना। एक लड़के के लिए जब उसे कोई ऐसी पसंद आती है तब उसका हाथ मांगना। हम अपने हाथों को बहुत लाइटली लेते हैं, मुझे बस आपको ये सारे एहसास याद दिलाने थे और इसीलिए कहना था कि अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहिए। स्वस्थ रहो और मस्त रहो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स।